वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस एपीसोड विच असीं जाणांगे भगत सदना जी बारे। मनुख जीवन विच सदा तब्दीलियां आउंदियां रहिंदियां हन। वह तब्दीलियां किसी ना किसी घटना तो हुंदियां ते जीवन बदल के रख दिंदियां हन। भगत सदना जी कसाई सी पर भगत बन गया। आप दी कथा सरवण करिए। भगत सदना जी दे माँ बाप दे नाम दा पता कुछ नहीं मिलता, पर करम कसाई दा सी। नगर सेवान विच आप दा जन्म होया ते उसे नगर विच ही रहिंदे रहे। बचपन तो ही संता फकीरां ते महापुरखां कोल बैठ के ज्ञान चर्चा सुनन दी श्रद्धा सी। आप मूर्ति पूजक सन। इन्हां नूं कितेओ साल ग्राम दा पत्थर मिल गया सी, उस नूं मास तोलण वास्ते वट्टा बना बैठे, जिस तों लोकी बुरा समझदे। पर लोकां नूं नहीं सी पता कि सदना जी साल ग्राम नूं देवता करके पूजदे ते उसे दे आसरे कार विहार करदे हन। उह तां साल ग्राम कोलों लाभ उठाउंदे सन, जीवन आसरा सी। हिंदू संतां पंडतां विच बहुत चर्चा सी कि सदना कसाई सालग्राम नाल मास क्यों तोलदा है। एक दिन एक संत सदना जी दी दुकान उत्ते पूजा ते बेनती कीती, हे सदने, एक काला पत्थर मैनू दे दे, मैं इस दी पूजा करया करूँ। इस सालग्राम है, तू होर वट्टा रख लै, इसका तैनू तां वट्टे दा काम है। सदना जाण गया कि यह लै जाना चाहते हैं। उसने बिना झिझक सालग्राम चुक के फड़ा दिता। वह सालग्राम नू लै के अपने डेरे चलिया गया। डेरे पुज के उसने सालग्राम नू इशनान कराया, धूप तखाई, चंदन का तिलक लगाया ते फुल चढ़ाए, पूजा की ते रात पैण ते सौ गया। जद साधु सुत्ता होया सी तदों उसने सुपने विच सालग्राम ने भाख्या दिती, तू ये बहुत बुरा किया है, सदने कोल मैं बहुत खुश सां क्योंकि वह मेरी पूजा करता सी, सच्चे हिरदे नाल वह मेरा हो चुका सी, प्रेम करता है। मैं पूजा ते सत्कार का भुखा नहीं, सगो प्रेम का भुखा हाँ। वह मास तोलता होया भी मैनू चेते करता सी, मैनू उस कोल छाड़ा। यह बचन सुन के संत की नींद खुल गई। वह सोचता तो किते कर्म उत्ते पछताउंदा रहा। दिन चढ़िया तो सदने कोल मुड़ गया। उसनू आखन लगा, सदना जी अपना सालग्राम वापस रख लो, ये तुसां कोल ही ठीक है, धन हो तुसी जिन्हां नू परमेश्वर याद है। क्यों संत जी, सदने ने पुछया। तो संत ने उसनू सुपने की सारी गल कह सुनाई। उस गल नू सुन के सदने दे मन विच सगो दूणा चा ते प्रेम उमा हो गया। वह प्रभु भगती करन लग पिया। उसे सालग्राम नाल मास भी तोलदा ते उसकी पूजा भी करदा, मन विच सिमरन करदा रहिंदा। एक दिन की गल है, रात के समय एक शाहूकार सदना जी दे कोल बकरे का मास लैण वास्ते आ गया। उसने कहा कि इस वेले मास नहीं, क्योंकि जो बकरा बनाया सी वह मुक गया सी। शाहूकार लिहाज वाला बंदा सी, सदना उसनू मोड़ भी नहीं सी सकदा। इस वास्ते सदने ने जिउंदे बकरे दे कोफते कट के शाहूकार नू देने चाहे। जदों सदना छुरी फड़ के बकरे दे नेड़े गया तां बकरा हस पिया। हस के आखण लगा, हे सदना, जगों बारी करन लगे जे। ये सुन के सदना जी बहुत हैरान होए कि जानवर बोलन लग पिया। उस वेले सदने दे हथों छुरी धरती उत्ते डिग पई। सदना जी ने बकरे नू पुछया, हे बकरे, ये दस नवी भाजी कि मैं चाड़न लगा हाँ, मेरा करम है तेनू मार के वेचना। बकरा बोलिया, सुन, अगे ये सिलसिला तुरिया आउंदा रहा कि कदी मैं बकरा ते तू कसाई, ते कदी मैं कसाई ते तू बकरा। इस जन्म विच तू मेरे जिउंदे दा एक अंग कट के शाहूकार नू देण लगा है, ये नवी भाजी है। कल नू भी मैं तेरे नाल ऐसा ही तां करांगा, क्योंकि आपां करम दे एक दूसरे दे साथी हाँ, अपना धर्म बन चुकिया है एक दूसरे दा मास वेचना। बकरे दी भाख्या ने सदने नू ज्ञान करा दिता। उस दिन तां उहने शाहूकार नू साफ जवाब दे दिता ते अगले पलक मास वेचण दा धंधा भी छड्ड दिता। उह भजन करन लगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।